हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास 226 हमारे डेल है और ये मशीन चालू नहीं हो रहा है। कस्टमर बोला ये मशीन चालू नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उसका बैक साइड जो हैंडल के पास 3 स्क्रू रहता है उसको खोलूँगा। अगर आपका मशीन में हैमर भी नहीं हो रहा है तो ब्लैक कलर की जो पोजिशन रहता है आगे वाला उसको खोलिए। अगर आपका मशीन चालू नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, तो पीछे साइड खोलिए जो हैंडल की तरफ। और यहाँ से मैं खोलने के बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ से देखिए तो ये पोजिशन में आपका ये जो स्विच में जो कनेक्टर लगते हैं वो डिसकनेक्ट हुआ है, ये जल गया है पूरा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिपेयर करेंगे। अगर आपका मशीन में ये दिक्कत हो रहा है तो क्या आपको करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए आप मैंने वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और कोई भी मशीन भी रिपेयर करना है तो आपको मेरे एड्रेस पर भी मिल सकते हो, एड्रेस मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा एड्रेस मिल जाएगा, या फिर साइड में भी आपको मेरा अच्छा मैं देख रहा है। यहाँ पे देखिए मैं जो दो कॉइल से दो तार निकला है व्हाइट कलर का, वहाँ से आपको कंटिन्यूटी आप चेक करना है। अगर यहाँ से कंटिन्यूटी शो करे मतलब आपका मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे कि पूरा साफ दिख रहा है यहाँ पे स्विच चल गया है। तो यहाँ से हम स्विच को चेंज कर लेंगे और इसमें एक नया स्विच लगाएंगे, और इसमें जो लीड रहता है जो दो तार निकला है उसमें भी एक तार जल गया है, तो एक तार को भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ देखिए ये पूरा जल गया है। तो इस स्विच की अगर आपको ज़रूरत है मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट डालने आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके परचेज भी कर सकते हो। और इंडिया के हर एरिया में पार्सल हो जाएगा, पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। और यहाँ से स्विच को यहाँ पे बिठा लेते हैं। स्विच में दो स्क्रू जो रहता है आपको इसको ढीला कीजिए, और दो स्क्रू में आपको डायरेक्ट सप्लाई देना, जो बोर्ड से पावर सप्लाई कॉर्ड जो रहता है वो आपको वहाँ पे स्विच में जो दो स्क्रू, या ये देखिए ये जो दो स्क्रू को टाइट ढीला कीजिए और यहाँ से दो सप्लाई दीजिए, और आपका जो मोटर से जो दो सप्लाई आता है वो आपको पिन मिल जाएगा। ये देखिए ये पिन खराब हुआ है, ये पिन आपको मोटर में जो सप्लाई देता है ये पिन में वहाँ पे लगता है। ओके, दोनों सेम है, ये बड़ा वाला तार लगता है, एक छोटा वाला तार लगता है, दोनों सेम लगा लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये जो दो पिन निकला है व्हाइट कलर का आपको यहाँ पर स्विच में भी पिन मिलेगा, आप उसमें लगा लीजिएगा। और जो दो स्क्रू दिया गया है उसमें आपको पावर सप्लाई केबल लगाना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आपको कोई मशीन रिपेयर करना है, आप चाह रहे हो मैं रिपेयर करूँ, मेरे एड्रेस पे भी मशीन भेज सकते हो। और यहाँ से आपको फ्री फिटिंग चार्ज, आपको जाने का खर्चा भी आपको यहाँ से फ्री मिलता है, बस इसमें जितना भी स्पेयर खर्चा होगा वो आपका है। ओके, तो यहाँ से हम ये स्क्रू टाइट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से दोनों स्क्रू टाइट कर लेंगे केबल का, और उसका कवर लगाएंगे, और यहाँ से हम सप्लाई देंगे। देखिए एक साइड में आपको पिन मिलेगा, वो साइड में एक साइड में पास में जो राइट साइड में जो थोड़ा पास में जो लगता है वो पिन आपको स्विच का लेफ्ट राइट में लगाना है। फिर सेंटर में एक पिन लगेगा, आप उसको स्विच का ऊपर ये पोजिशन से लाना है। ओके, तो यहाँ से हम वायरिंग कर लेंगे प्रॉपरली, और इसका बैक कवर लगा लेंगे। तो मेरे दोस्तों इस टाइप का तो यहाँ से लगभग रेडी हो चुका है, यहाँ पे हम स्क्रू लगा लेंगे कवर को, बराबर फिटिंग करना है यहाँ से। ओके, तो यहाँ से फिटिंग हो चुका है। तो चैनल में नए लोगों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह सा वीडियो मेरे चैनल में मिलता रहता है पावर टूल्स का। और यहाँ से हम उसका स्क्रू लगा के इसको चेक कर लेंगे, देखेंगे और कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और यहाँ से रिवर्स थोड़ा दोनों मोड में मशीन बिल्कुल भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।